हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आनंदपाल पुण्यतिथि पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, बाड़मेर विधायक और यूआईटी चेयरपर्सन पर साधा निशाना। शहर के सर्किट हाउस में खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में खीवसर विधायक ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति तीसरे मोर्चे पर चली गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता बीजेपी से आहत है, वहीं प्रदेश के लोगों का समर्थन देखते हुए बीजेपी का अस्तित्व ही समाप्त होने जैसा लग रहा है। राजस्थान की बड़ी पार्टी बीजेपी अब तीसरी पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि 2019 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के तीसरे मोर्चे के बीच लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। वहीं उन्होंने सूबे की मुखिया वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा, ये बड़ी विडंबना है। उन्होंने उनरोड प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय नेता केवल फोटो खींचकर शेयर करने लगे हैं, पीड़ित परिवार से उनका कोई मतलब नहीं होता। बेनीवाल ने कहा कि मौजूदा सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच आपस में भ्रष्टाचार का गठबंधन एक दूसरे को बचाने का हो रखा है। कोई किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा और 5-5 साल के लिए सत्ता का हस्तांतरण ऐसे ही होता रहेगा। और जितने भी मीडिया के बंधु पधारे हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। और बाड़मेर के अंदर जो हुंकार हमने भरी थी 7 जनवरी 2018 को, उसके अंदर आपका बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा। और बाड़मेर की रैली के बाद राजस्थान की सियासत के अंदर, दिल्ली की सियासत के अंदर भूचाल आ गया। दोनों पार्टियों के नेताओं के कान खड़े हो गए और बाड़मेर की रैली और बीकानेर की रैली की बदौलत ही प्रदेश के अंदर जो 50,000 का कर्ज माफ, स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया गया और खनिज के पट्टे जो पहले ऑनलाइन खनिज नीति के अंदर था, भाई ऑनलाइन किसान भी अपने खेत के अंदर अगर खनिज का पट्टा लेना चाहता है तो उसकी भी नीलामी होगी, ऑनलाइन नीलामी होगी। उन सब में संशोधन अगर हुआ, किसान को उसका हक और अधिकार मिला। और ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बार बार बात कर रहे थे, वो दिल्ली में एक रबी और खरीफ की फसल में से एक फसल पे उन्होंने दुगनी बाजार मूल्य से दुगनी 1.5 गुना कीमत पे भाव तय करने की बात दिल्ली के अंदर अगर चली। और राजस्थान के अंदर मजबूत लोकपाल के बारे में भी अगर डिस्कस सरकार ने किया, 1 लाख नौकरियां अगर राजस्थान के अंदर निकली, कानून व्यवस्था ठीक होने का अगर प्रयास शुरू हुए और ये सारी एसओजी एसीबी अगर सक्रिय हुई, तो हुंकार रैलियों का ही असर था कि राजस्थान की सरकार डर गई। और सीकर की हुंकार के बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेंटिलेटर पर चली गई। और वसुंधरा जहाँ भी जाती है सुनने के लिए लोग कम आते हैं, उसका विरोध करने के लिए लोग ज्यादा पहुंच जाते हैं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो गई। और हमारा मकसद भी कोई सत्ता प्राप्ति का मकसद नहीं था, हमारा मकसद था कि पहले प्रदेश के किसान जवान को उसका हक और अधिकार मिले। 70 साल की इस व्यवस्था को हम बदलें। थाने तहसील कचहरी के अंदर किसान और किसान का बेटा अगर जाए तो थानेदार तहसीलदार उसकी पूरी बात को सुने और उसकी समस्या का समाधान करे। बाड़मेर शहर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।